ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन यूजिंग SCR. SCR का यूज जो वो इक्विपमेंट जिसमें कई बार ओवर वोल्टेज आती है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि फास्ट स्विचिंग एक्शन. अगर हम इसके सर्किट देखें जिसके थ्रू हम इसके प्रोटेक्शन करते हैं, तो इनपुट से हम AC सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. ये सोर्स इम्पीडेंस होता है जिसको Z से डिनोट किया गया है, जो कि लार्ज करंट प्रोड्यूस करता है और इनफ वोल्टेज ड्रॉप करता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है. ये एक सेफ्टी प्रोवाइड करता है सर्किट को. टू SCR इसमें कनेक्टेड होते हैं, ये SCR1 और ये SCR2. SCR2 डायोड 4 के साथ कनेक्टेड है, SCR1 डायोड 2 के साथ कनेक्टेड है. ये जीना डायोड है और बाकी ये D1 और D3 से कनेक्टेड है, जिसके थ्रू हम SCR को ट्रिगर करते हैं, ऐसे गेट पे सप्लाई प्रोवाइड करते हैं. रेजिस्टर R1 शॉर्ट सर्किट करंट को लिमिट करता है. लोड के अक्रॉस हम आउटपुट लेते हैं. अब हम देखते हैं इसकी वर्किंग. जैसे ही इनपुट से AC सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, तो सोर्स इम्पीडेंस जो कि वोल्टेज पर्टिकुलर वोल्टेज जो करेगा और लार्ज करंट फ्लो करेगा, यानी कि प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग रेजिस्टर R1 में से करंट पास होता हुआ डायोड 1 पे जाएगा. डायोड 1 अपनी पर्टिकुलर वोल्टेज तब तक फॉरवर्ड बायस होगा और देन ब्रेकडाउन प्रोड्यूस करेगा जीनर डायोड में ब्रेकडाउन होगा और रेजिस्टर R के थ्रू हमारा करंट डायोड 2 के थ्रू SCR1 में फ्लो होगा. ये जो करंट है ये SCR1 के गेट पे जाएगा, जिससे SCR1 का गेट है जो ट्रिगर होगा और वो SCR1 को ऑपरेट करवाएगा. इस तरह से फर्स्ट SCR वर्क करता है पॉजिटिव साइकिल में. लेकिन जब नेगेटिव साइकिल आती है उस कंडीशन में हमारे जो टर्मिनल्स हैं, नीचे पॉजिटिव टर्मिनल आ जाता है, ऊपर नेगेटिव आ जाता है, जो हमारा करंट है वो पॉजिटिव टर्मिनल से पास होता है. और यहाँ से पास होता हुआ सबसे पहले क्या होगा, जब पॉजिटिव साइकिल जाएगी तो सबसे पहले करंट यहाँ से पास होता हुआ डायोड 3 में से पास होगा. डायोड 3 से पास होकर वो जीनर डायोड पे जाएगा और रजिस्टर के अक्रॉस जाकर डायोड 4 को फॉरवर्ड बायस करेगा और डायोड 4 के थ्रू SCR2 के गेट पे ट्रिगरिंग प्रोवाइड होगी, जिससे SCR2 कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा. और लोड के अक्रॉस हमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में आउटपुट मिलेगी. और जैसे ही जो लोड वोल्टेज है वो नॉर्मल वैल्यू तक आने लगेगी, तो जीनर डायोड वो रिकवर करना स्टार्ट करेगा और बहुत स्मॉल करंट फ्लो करवाना स्टार्ट करेगा, जिससे जो हमारा SCR है वो टर्न ऑफ कंडीशन में आने लग जाएगा. जो इस सर्किट का रिस्पॉन्स टाइम होता है वो बहुत स्मॉल होता है और इससे हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल्स में प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं. ये है हमारा ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन सर्किट यूजिंग SCR.